ये बच्चे देख रहे हैं राजीव ब्लॉग है, राजीव ब्लॉग देख रहे हैं, राजीव ब्लॉग। मैंने भी आड़ू तोड़ दिया है फ्रेंड, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि चोरी के खाने में मजा कुछ अलग आता है, खरीदने में। जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है राजीव ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में जो है ना, मैंने सोचा था कि आज हम अल्मोड़ा, तो हमने रात स्टे अल्मोड़ा ही किया था। अब जो है हम सोच रहे थे कि आज हम कुछ अलग रास्ते से निकल कर जाएंगे, यानी कि आज हम मेन रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ से हम जाते रहते थे। आज हमने सोचा कुछ अलग ही रास्ता चुनते हैं, और वो रास्ता चुना है हमने मुक्तेश्वर का। तो फ्रेंड, जैसे मुक्तेश्वर आपने सुना होगा बहुत ही हाइट में है, और बहुत ही मेरे लिए तो खैर नई जगह है क्योंकि मैं अभी तक नहीं गया था वहाँ। तो मैंने सोचा आज ट्रैवलिंग जो है हम मुक्तेश्वर की करेंगे। तो बताओ ना फ्रेंड, हमने उस रास्ते से निकलना है। ये जो है ना रोड से निकल कर, वो ये तो सीधा निकल गया हल्द्वानी के लिए रोड हाईवे, धारानोला होती हुई और लोधिया होते हुए निकल जाएंगे। लेकिन हम वहाँ से ना निकल कर ना, हम यहीं से नीचे से कट जाएंगे, और वो रोड टेढ़ी मेढ़ी घूम रही ना फ्रेंड्स, उस टेढ़ी मेढ़ी घूमते 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 उस पहाड़ी की तरफ आपको निकल जाएंगे। उस पहाड़ी के पीछे है मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर से आगे बहुत अलग दुनिया में जाने वाले आज हम। कहाँ से शॉर्ट रास्ता है, किधर से अभी पता चलेगा आगे तो वहीं से रास्ता कटा अंदर को ना। तो चलो चलते हैं फिर वहीं से। तो हम निकल गए फ्रेंड्स प्यारी सी वादियों में। यहाँ से तो ये लमगड़ा गई है, लमगड़ा नहीं जाना ना हमने, इनसे पता करें मुक्तेश्वर के लिए। भाई साहब मुक्तेश्वर ना, मुक्तेश्वर आगे से निकलेंगे, लमगड़ वाला पड़ गया। हाँ वही रास्ता है। अल्मोड़ा से निकलते हुए हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर की ओर। ये है अल्मोड़ा का धारानोला। धारानोला में पेट्रोल भरवाते हैं, यहाँ पेट्रोल कम है। अभी हमने टंकी फुल करनी है पूरी, उसके बाद तो हमने टंकी फुल करा ली है। गूगल करना है इनको। फाइनली गाइस, जो है हम पहुंच गए हैं उस खूबसूरत जगह में जहां पे मैं आपको कह रहा था कि बहुत सुंदर जगह है। पास में है हम मुक्तेश्वर, कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और बताऊँ ना गाइस, हम लोग अभी ना अल्मोड़ा, वो सामने अल्मोड़ा था, और हमने कहा था ना उस पहाड़ी पे जाएंगे, तो अब इस उस दिशा से हम इस दिशा की ओर आ गए हैं, यानी कि हमारा अल्मोड़ा उधर चला गया। पहले हम अल्मोड़ा से इधर को दिखा रहे थे पहाड़ी ना। और बताओ सबसे अच्छी खासियत क्या है इस जगह की, ये जो पूरा इलाका ना, एक तो सबसे बेहतरीन जो सबसे अच्छी जो जगह है इसका, मतलब सबसे बेहतरीन जो चीज़ यहाँ देखने को मिलती है वो है यहाँ का क्लाइमेट। बहुत ही सुंदर क्लाइमेट है, बहुत ही ठंडा क्लाइमेट, जैसा समझ लीजिए कि 12 महीने यहाँ ठंडा रहता है। अभी भी यहाँ ठंडा लग रहा था अल्मोड़ा में, फिर भी गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ बहुत ठंडा है। और दूसरी खासियत है ना बताऊँगा जी, यहाँ पर दूसरी खासियत है यहाँ की, जो ये जो है ना आप देख रहे होंगे ना पेड़, गाइस ये वाले पेड़ देख रहे होंगे सब, ये टोटली फल जो है यहाँ पर, फल की मतलब ये उपजाऊ फल होते हैं यहाँ की, मतलब फलों की खेती होती है, जैसे आड़ू, सेब, पलम, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, नाशपति में यहाँ पर पेड़ है। आप देखिएगा ही ना, ये छोटे देख रहे हो ना पेड़, ये सब आड़ू के पेड़ हैं, आड़ू पलम ये सब टोटली पेड़ ही पेड़ है। देखो नाशपति का पेड़ है। प्योड़ा में पहुँचे हैं, यहाँ का जी आई सी कहाँ है अंकल? जी आई सी प्योड़ा ऊपर। अभी प्योड़ा में हमारे एक टीचर भी हैं अरोड़ा सर, उनसे भी मिलने के जाएंगे हम लोग, जो कि हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, उनका ट्रांसफ़र इधर हो गया है, तो उनसे भी मिलेंगे हम। तो वो अभी जीवन बताऊँ क्या कर रहा है, वो हमने सामान खरीदा अभी यहाँ से, जो कल का सामान तो ख़त्म हो गया था, फिर हमने यहाँ खरीद रहे हैं आज, फिर से पर्ची बना रहा है, वो पर्ची भी हमने फेंकी थी, तो आज फिर से हम नई शुरुआत कर रहे हैं आज के ब्लॉग में। और जैसे ही हम लोग हाइट में आए तो यहाँ पर बारिश का स्टार्टिंग हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है, ठंडा हो रहा है, ऊपर से बारिश हो गई, हम लोग ऊपर से रेनकोट नहीं लाए। फिलहाल देखते हैं सफ़र कैसा होता है अगला आने वाला। तो फ्रेंड चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारी पर्ची उर्ची सब बन गई, सामान हमने बच्चों के लिए खरीद लिया है, और 500 रुपये की पर्ची फिर से डाल दी हमने, 50-100 रुपये की पर्ची भी डाल दी। लेकिन आज देखते हैं कौन सा बच्चा, जिसका नसीब अच्छा होगा वो पर्ची निकलेगी, पैसे की नहीं तो खाने पीने की चीज़ तो निकलनी है उनकी। फिलहाल जो है एक हमारा गेम है, हमारा टाइम पास है, और बच्चों की जो इंप्रेशन है वो हम लेना चाहते हैं अपने ब्लॉग में। तो हमारी बाइक यहाँ पर खड़ी है, और हम इसके बाद यहाँ से जाएंगे प्योड़ा, जहाँ हमारे मित्र लोग रहते हैं उनसे। तो हम लोग निकल गए मुक्तेश्वर की ओर। मुक्तेश्वर यहाँ से देखते हैं कहाँ पड़ेगा,
लेकिन मुक्तेश्वर में ना देख रहा हूँ घना जंगल है भयंकर इतने. जय सी प्योड़ा यही तो है अटल उत्कृष्ट. फोन लगाओ यार भाई साहब को. मैंने अरोड़ा जी को फोन लगा दिया है. अब देखते हैं. जी सर आ गया. सर आ गया. ठीक है आइए आराम से आइएगा सर. हाँ तो अरोड़ा जी बाहर आ रहे हैं. इंटरवल चल रहा है हम लोगों का. ठीक है. ये सर के स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर. गुरुजी. यूट्यूबर ये अरोड़ा जी मिल गए हमें. चलो साइड से खड़े कर देते हैं. क्या कर रहा है? चाय पीते हैं सर. हाँ भाई चले. तो सर मिल गए. ये बच्चे देख रहे हैं राजीव ब्लॉग है. राजीव ब्लॉग देख रहे हैं. तो फाइनली गाइज हमारे जो साथ में जो अरोड़ा जी हैं वो मिल चुके हैं यहाँ पर. और काफी जो बांस पकड़ के जो बच्चे हैं या क्षेत्र के लोग हैं सर को पहचानते होंगे जो कि वहाँ साइंस के टीचर थे बांस पकड़ में और अभी यहाँ लेक्चरर हैं केमिस्ट्री के. तो इनसे मिलने के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ आए हैं. तो सर का रास्ते में मुक्तेश्वर के रास्ते में स्कूल पड़ा है और जो कि नाम है जेआईसी पियोड़ा. ठीक है ऐसी हैं जैसे हमने छोड़ा था 4 साल पहले हमने वहाँ से छोड़ा. तो आज भी बिल्कुल फिटनेस वही सर की. तो सर से मिल गए हम लोग और ये है सर के स्टूडेंट्स. काफ़ी सर अभी क्योंकि इंटरवल चल रहा है ना तो इसलिए मार्केट में यहाँ पर ये बच्चे घूम रहे हैं. सर का स्कूल अंदर है. तो चलो सर बहुत अच्छा लगा आपसे सर के द्वारा. तो सर से मिल गए हम. सर को अलविदा कर दिया है उनका स्कूल अंदर अभी क्योंकि क्लास चल रही ना अंदर. तो हमने सोचा अंदर से नहीं जा करके हमने भारी भारी उठा दिया सर को. अभी हमने मुक्तेश्वर जाना है. अच्छा लगा सर से मिल के और हम चलते हैं मुक्तेश्वर की ओर. पेड़ इतने वृक्ष हैं ना यहाँ पर. इतना फलों के वृक्ष देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ. घना जना जंगल निकल रहे हैं हम लोग मुक्तेश्वर. बस यहाँ से 8 किलोमीटर रह गया है. इतने छोटे छोटे पेड़ में इतने भयंकर आड़ू आ रखे हैं. अलग ही फसल है यार. ये सेब का पेड़ है. ये पुलम है. पुलम है ये. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know better. Can't trust you. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. No respect, broke up with me in a text. You'll do anything to prove you're wrong. Pick and fight, stubborn even when lying. मैंने भी आड़ू तोड़ दिया है फ्रेंड. लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. लेकिन क्या है कि चोरी के खाने में मज़ा कुछ अलग आता है. ख़रीदने में कुछ अलग मज़ा आता है. ये चोरी के हैं लेकिन आंटी लोगों ने देखा नहीं. बहुत बहुत सारे वो आड़ू हैं खाते हैं. यहाँ पे कुछ लगे हैं. ये पलम है. यहाँ भी सब बोई बोई हैं. तो हमने तो ये सब भर लिया. पूरा झोल तोड़ तोड़ के भर लिया हमने. अब भागते हैं यहाँ से. भागो बेटा अब तोड़ लिया हमने भर लिया सब इसके अंदर. ऐसे ऐसे पेड़ क्या मस्त पेड़ लग रहे ना ऊपर तक. और बताऊँ ना गाइस यहाँ पर अभी तक गेहूँ आ रहे हैं यार. बताओ बहुत अलग अद्भुत नज़ारा और बहुत ही प्यारी लोकेशन से गुजरते हुए हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर की ओर. क्या प्यारे बागयान बागयान है फलों के बागयान. वाह 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 ये देखो ना क्या मस्त. अंकल मुक्तेश्वर किधर है? कितने किलोमीटर पड़ेगा? 14 किलोमीटर. 14 बड़ी दूर है यार.